वो एड उनकी आंखों के सामने चल रही है लेकिन मजा ले किसी ने निकाल के फेंका हो उल्टा और मारा होगा मार मार मुकेश <ण्णाग> हमारे फादर ने बहुत मेहनत करी हमारे दादाजी ने बहुत मेहनत करी हमारे पर दादाजी ने बहुत मेहनत करी लक्कर दादाजी ने सारे ऊपर से एक हजार साल का इतिहास आप अपना उठा लीजिए और देखिए आपके अकाउंट में पैसा कितना है कुत्ता भी अगर रोटी चुरा के भागेगा तो जहां से चुराएगा वहां कभी नहीं खाएगा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेस ठीक है क्योंकि हमारे पास समय कम है तो जितना समय है मैं उसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है सिर्फ सुनो सिर्फ सुनो कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है सिर्फ सुनो क्योंकि जो आप लिखते हो ना आधा ध्यान साधा अपने को सुनो बस खाली क्योंकि लिखने के बाद भी तुमने पढ़ना नहीं है इसको ये सुन लो मुझसे हाँ <laughs> काय को नाटक करना है पर लिखने <laughs> आधे तो डायरी पेन नहीं लाए आधे ने पड़ोसी से पन्ना मांगा है पन्ना उस पन्ने पे लिखेंगे कभी घुटने पे लिखेंगे फिर उसको मोड़ के जेब में रख लेंगे कल माँ धो देगी ऐसा कागज निकलेगा फिर उसमें से हाँ माँ सोनू शर्मा धो दिया आपने तो हम तो सिख के आए थे है, है? तो काय को इतनी तकलीफ देनी हाथों को सुनो सफलता तो आज सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में अपन लोग बात करेंगे तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू माय ट्वेंटी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स सफलता का सीक्रेट क्या है कुछ तो ऐसा है जो कुछ लोगों को पता है और बाकी लोगों को नहीं पता है कुछ जानकारी ऐसी है जो दुनिया में बहुत कम परसेंटेज लोगों को पता है ऐसी जानकारी के कारण वो रिच होते जा रहे हैं अमीर होते जा रहे हैं करोड़पति अरबपति खरबपति होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उसी लेवल पे ज़िंदगी बिता रहे हैं जिस लेवल पे आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले थे बुरा मत मानिए हमारे फादर ने बहुत मेहनत करी हमारे दादाजी ने बहुत मेहनत करी हमारे अपर दादा ने बहुत मेहनत करी लक्कर दादाजी ने सारे ऊपर से एक हज़ार साल का इतिहास आप अपना उठा लीजिए और देखिए आपके अकाउंट में पैसा कितना है ऐसा तो नहीं ना कि आपके पिताजी ने मेहनत नहीं करी खूब मेहनत करी होगी दादाजी ने नहीं करी खूब मेहनत करी होगी उनके पापा ने नहीं करी उनके सब ने करी होंगी पीढ़ियों ने मेहनत करी होगी उन सब पीढ़ियों की मेहनत का जोड़ कितना है पैसा बता देगा आपको कितना पैसा होगा अकाउंट में से पापा से पूछना पापा जी हमने भी करी पप्पा ने भी करी तुम्हारे पप्पा ने भी उनके पप्पा ने भी पप्पा पप्पो पप्पा तो दो तीन सौ करोड़ तो रखे होंगे आज हमने बोलेंगे बैंक का 25 लाख रुपए देना है अभी <laughs> हाँ ये हमारी कुल जमा पूंजी है हम मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसी कहानी होती है कि नहीं होती हाँ क्योंकि जब मैं 98 में ग्रेजुएशन करके घर आया तो मेरा पहला चेक मुझे मिला मेरे घर से मेरे पापा को मैंने बोला पापा आज हम ग्रेजुएट हो गए बड़ी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके अब हमको कुछ गिफ्ट दीजिए तो मेरे पापा अंदर गए कमरे में मुझे एक पेपर ला दिया बोला हमारी तरफ से तुझको कोई तोहफा है हमने वो तोहफा देखा मैंने कहा यह क्या बला है उन्होंने बोला वी हैव ए लोन ऑफ थ्री लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे हमारे पे तीन लाख रुपए का कर्जा है और तुझे देना है ये हमारी तरफ से तुझको तोहफा है <laughs> तो हमारा जिंदगी का शुरुआत तीन लाख के कर्जे से शुरू हुआ वो बात अलग है कि हमने कभी उसको अपने सर पे हावी नहीं होने दिया मेहनत किया भगवान का आशीर्वाद रहा वो कर्जा चुकता कर दिया लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सफलता का रास्ता नहीं मिल रहा आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो सफलता का सीक्रेट जानना चाहते हैं आज हाथ उठाइए पक्का जानना चाहते हैं बता दूं yes, बता दूं कैसे हम एस क्लास तक पहुंच गए yes, कैसे ये सारे लोग मर्सिडीज और अलग अलग गाड़ियां चला रहे हैं बता दूं आज yes, लेकिन दावा है कि किसी को बताना नहीं छुपा yes, के रखना है ना, yes, तो बताता हूं मैं पढ़ो बस ये किसी को बताना नहीं है कि इस दुनिया में सफलता का हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होते हैं क्या यह कोई सीक्रेट है इस दुनिया में कौन मोट वो ऐसा है जिसको यह पता नहीं कि वो क्या करे कि वो पतला हो जाए आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ किसको नहीं पता अभी वो कॉमेडियन भारती पंद्रह किलो पतली हुई पंद्रह किलो ऐसा थोड़ी ना कि उसको आज ही पता चला था कि पतला कैसे होना है पता तो उसको पहले से, पहले से था और हर किसी को पता होता है कि ये तू ये जो रोज पिज्जा मार रहा है ये तू रोज जंक फूड जो घुसा रहा है अंदर एक दिन ये फटेगा उसको सब पता होता है कि बेटा सबेरे सैर करेगा तो तरक तकलीफ शरीर में कोई सीक्रेट है ये इस दिन एनी सीक्रेट कि जो सैर करने जा रहे हैं उनको तो पता है और जो सांड की तरह नौ बजे तक बिस्तर पे है उनको नहीं पता ऐसा हो सकता है जो सैर करने जा रहा है पता उसको भी है जो मगरमच्छ की तरह नौ बजे तक मतलब सूरज ना उसकी ये लाल कर चुका है लेकिन वो उठ नहीं रहा है सूरज जल जल के लाल कर दी उसकी लेकिन ये अच्छा ये जो लेटा है इसको पता नहीं है कि सुबह उठ के सैर करने से शरीर पता है कि नहीं पता तो देर इज नो सीक्रेट ऑफ हर स्मोक करने वाले को पता होता है सरकार ने डब्बी के ऊपर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है और तो और छोड़ो अभी प्रोटोकॉल है कि डब्बे के ऊपर गंदी गंदी तस्वीरें लगाते हैं दांत टेढ़े हैं है ना सला तिरको पढ़ नहीं सकता कम से कम अंधे देख, देख, ले।, देख ले क्या उसको पता नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन हां किस सिगरेट पीने वाले को नहीं पता अरे सर मैं तो सिगरेट पीता रहा पच्चीस साल मुझे तो पता ही नहीं था कि लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है हमको पता होता तो हम सर नहीं पीते सर भगवान कसम हम पीते नहीं हमको पता हमको पता ही नहीं था ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं होता तो हर पीने वाले को पता होता है कि ये खराब है शरीर को नुकसान देती है अब तो खैर थिएटर हॉल बंद हो गए पहले जब पी वी आर चलते थे ना तो पिक्चर से पहले एक एड आती थी इसका नाम मुकेश है, है? इसको मुंह का कैंसर हो चुका है ये गुटके का सेवन करता और मजे की बात यह है कि वो एड देखते देखते गुटका खा रहे हैं लोग वो एड सामने चल रही है उनके वो एड उनकी आंखों के सामने चल रही है लेकिन मजा ले किसी ने निकाल के फेंका हो उल्टा और मारा होगा मार, मार मार मुकेश तो बॉयज एंड गर्ल्स लेडीज एंड जेंटलमैन इज देर इज एनी सीक्रेट नो एवरीथिंग इज ओपन एवरी वन नोज एवरीथिंग हर शराब पीने वाले को पता है कि ये सेहत के लिए क्या कोई आदमी ऐसा है आपके पिताजी अगर पीते हैं बुरा मत मानिए क्या उनको पता नहीं है मैं ईमानदारी से बताओ कि बेटा हमको पता होता ना हम भगवान कसम नहीं पीते हैं हमको तो पता ही नहीं हमको तो लगता था अमृत है जिसका रोज सेवन कर रहे हैं हम अमर हो जाएंगे ऐसा है द आंसर इज नो यानी हर किसी को सब कुछ पता होता है समस्या ये है कि पता होने से कुछ होता नहीं होता कब है एक शब्द बोलता हूं मेरे साथ साथ दोहराइएगा जब आप इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज जो आपको पता है पता आपको सब इस दुनिया में हर आदमी को करीब करीब सब पता होता है कि ये चीज सही है ये चीज गलत है इवन कुत्ता इवन जो कुत्ता होता है ना अगर गलती से कहीं रोटी चुरा के भागे आप ध्यान देना कुत्ता भी अगर रोटी चुरा के भागेगा तो जहां से चुराएगा वहां कभी नहीं खाएगा दूर किसी गली में ले जाएगा दाएं बाएं देखेगा फिर खाएगा उसको पता है साला चोरी क्या है और अगर पालतू है अगर उसके आगे कुत्ते डालो रोटी डालो तो पहले पूछे लाएगा और जहां पर डाली है वहीं खाएगा उसको पता है ईमानदारी की है कुत्ते को भी पता है क्या गलत है क्या सही है सब पता है इवन कुत्तों को पता है साला क्या सही है क्या तो देर इज नो सीक्रेट ऑफ एवरी वन नोज एवरीथिंग। द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन कमॉन क्या प्रॉब्लम है तो मैं पिछले 20 साल से नेटवर्क तो मार्केटिंग का ट्रेनिंग दे रहा हूं बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत बातें बताई हैं दस ही लोगों ने मर्सिडीज का को लिया सेम टाइम पे सब टीएसएस में आए सेम टाइम पे वेस्टेज में आए इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मर्सिडीज ले गए जो पांच लाख दस लाख के चेक पे आ गए उनके कान में कुछ अलग से ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आ मैं तुझे रात को दो बजे बताऊंगा पैसे कैसे कमाते हैं किसी को नहीं बताऊंगा सिर्फ तुझे बताऊंगा ऐसा हुआ होगा मेरे साथ नहीं यानी मैंने ऐसे ही सेशन किए होंगे सबको बताया होगा कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए और सबने बराबर ही सुना होगा किसी ने रुई तो डाला नहीं होगा कान में लेकिन सुनने से आ जाते तो आज छह लाख लोग टीएसएस में हैं सबके घर के आगे मर्सिडीज खड़ी होती थी लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है इन बातों को आज वो अलग ही लेवल पे जाते जा रहे हैं धीरे धीरे और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि दे आर इंप्लीमेंटिंग एवरीथिंग तो बॉयज एंड गर्ल्स यहां आने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ सुन के निकलेंगे अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे नो डाउट नो बडी कैन स्टॉप यू बस समझ में आ रही है तो बोलो हां सो देयर इज नो सीक्रेट ऑफ एवरीबडी नोज एवरीथिंग